आईसीटी इन एजुकेशन हमें डिस्कस करना है। आईसीटी आप जानते हैं क्या लफ्ज आईसीटी? यस सर जी, क्या है इसका मतलब? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी के रोजमर्रा जिंदगी में कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन में कहाँ करना है इसको जानना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। ये कॉमनली हम बताते हैं, आप समझते हैं, लेकिन जब तक हम दोनों का एक स्टैंडिंग न हो एक जगह पर, हम मुत्तफिक राय हमारी न हो मुत्तफिक, तब तक जो है इसको समझना मुश्किल है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, लव्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब नॉलेज नहीं है। देखिए, हर चीज, कितने हाथी हैं, कितने शेर हैं, कितने किस कदर के जानदार इंडिया में मौजूद है, सारी इंफॉर्मेशन है। नंबर भी अगर लें तो कितने पेड़ हैं, इंफॉर्मेशन है। लेकिन पेड़ को किन कैटेगरीज में रखा गया है, ये नॉलेज है। पेड़ और पौधे में क्या फर्क है, ये नॉलेज है। तो नॉलेज मुख्तस होता है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। कम्युनिकेशन, हमारी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है। जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ तो जुबान और बयान और अपने चेहरे और अपने जाहिरी तौर पर आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। और कम्युनिकेशन के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है हमारे दरमियान, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम फेस टू फेस सामने बैठ के बात करेंगे तो हमारी जुबान, अपने जेस्चर्स, बातचीत का तरीका, इसके जरिए कम्युनिकेशन होता है। एक वो शख्स जो बात नहीं कर सकता वो भी कम्युनिकेट कर सकता है, जो शख्स देख नहीं सकता उसको भी सुनाई देता है और वो समझता है कि मर्द बात कर रहा है या औरत बात कर रही है, बच्चा बात कर रहा है कि बड़ा बात कर रहा है। तो कम्युनिकेट उसको भी हो रहा है, सामने बैठने वाले को भी कम्युनिकेट हो रहा है, दूर बैठने वाले को भी कम्युनिकेट हो रहा है। सामने बैठने वाले को जो कम्युनिकेट हो रहा है वो आपस में एक दूसरे को देख कर समझ रहे हैं, लेकिन जब दूर बैठे हैं तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है? साइंटिफिक और लॉजिकल मैकेनिज्म जिसके जरिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमें मिलता है, उसके जरिए कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन आईसीटी, हमने देखा कि इंफॉर्मेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। आईसीटी जो है एक डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेस, जिसमें टेक्नोलॉजिकल टूल्स सिर्फ आपका कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ आपका मोबाइल नहीं है, रेडियो है, टेलीविजन है, आपका वाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लासरूम है। टेक्नोलॉजिकल टूल्स डाइवर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एंड रिसोर्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेस आप जो है इंटरनेट से भी यूज करते हैं। न्यूज़पेपर आपका रिसोर्स होता है, टेलीविजन का प्रोग्राम आपका रिसोर्स होता है, यूट्यूब का प्रोग्राम आपका रिसोर्स हो सकता है। यूज टू कम्युनिकेट, डाइवर्स सेट होते हैं जो कम्युनिकेट करने में मदद देते हैं। एंड टू क्रिएट, आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप में आपने मैसेज टाइप किया, आपने क्रिएट किया, आपने ऑडियो किसी को मैसेज भेजा, आपने क्रिएट किया। डिसिमिनेट, आप दूसरों को भेज सकते हैं, दूसरों को भेजा गया मैसेज स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके या तो उसमें कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फेक न्यूज भी बहुत फैल रही है आईसीटी के इस्तेमाल से। यानी यहाँ पे डाइवर्स टेक्नोलॉजिकल टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं जिनको कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन करने के लिए आप नया मैसेज क्रिएट करते हैं या क्रिएट करके डिसिमिनेट करते हैं, या तो उसको महफूज करते हैं या तो इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, ये आईसीटी कहलाता है। हालांकि आईसीटी हर एक शख्स अपने तौर पर, अगर रेडियो को आईसीटी मानूं मैं तो रेडियो का डेफिनेशन मैं आईसीटी के तौर पर मुख्तलिफ दूंगा। अगर क्लासरूम का टीचर हूं, क्लासरूम के टीचर के तौर पर आईसीटी को देखूं तो उसके तौर पर मैं आईसीटी का डेफिनेशन बताऊंगा। तो हर एक का डेफिनेशन मुख्तलिफ होता है, बहुत सारे डेफिनेशन आपको मिलेंगे। बिकॉज द कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स एंड एप्लीकेशन इन्वॉल्व, इसका कहाँ पर आईसीटी इस्तेमाल हो रहा है उसके बेसिस पर आप आईसीटी को डिफाइन करेंगे। अ गुड वे टू थिंक अबाउट आईसीटी इज टू कंसीडर ऑल द यूजेस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। बहुत सारे यूजेस को मिलाकर आप सोचेंगे तो आईसीटी क्या है इसको कह सकते हैं। आईसीटी की जरूरत क्यों है, आईसीटी की जरूरत आज हम क्यों महसूस कर रहे हैं? टू मीट द नॉलेज एक्सप्लोजन एंड शेयर इंफॉर्मेशन,
आज के जमाने का नॉलेज एक्सप्लोजन, पहले कहा जाता था कि 5 साल में नॉलेज डबल हो रहा है, आज हर दिन नॉलेज डबल ट्रिपल 100-100 गुना ज्यादा बढ़ रहा है। जो मालूमात हमें नहीं थी वो मालूमात भी हासिल हो रही है। अब मेरी मालूमात मिल रही है। इंसान, हमें कहा जाता था कि फरिश्ते हमारे आमाल लिख रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए ये सारे इंफॉर्मेशन जो है गूगल भी आपके रख रहा है। टू मीट द नॉलेज एक्सप्लोजन, नॉलेज मालूमात भी बहुत बढ़ रही है। शेयर इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करना चाहते हैं तो भी आईसीटी का इस्तेमाल करेंगे। टू एक्सटेंड एक्सपर्टाइज ऑफ सब्जेक्ट टू रूरल स्कूल्स, अब पहले अच्छे असातिज़ा जो है एक ही स्कूल में मौजूद होते थे, अब आप अच्छे टीचर हैं तो आप रूरल स्कूल, देहात के स्कूल, ज्योग्राफिकली दूसरे जगहों पर भी जो स्कूल्स होते हैं उन तक भी पहुंचना आपके लिए आसान हो जाता है। टू ब्रिंग कॉन्क्रीट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, देखिए हाथी को क्लासरूम में नहीं लाया जा सकता, लेकिन हाथी का वीडियो प्रोग्राम तो हम जरूर ला सकते हैं क्लासरूम में, आईसीटी के जरिए हम वहां तक पहुंच सकते हैं। आज मैं अचानक पता चला कि मेरा क्लास है तो फिर टाइमिंग मुझे याद नहीं था, तो जैसे ही कहा गया मैं आपके साथ रूबरू हाजिर हो गया। तो यानी मिनटों में, सेकंडों में एक्सपर्ट टीचर्स भी आपके पास आ सकते हैं। टू ब्रिंग कॉन्क्रीट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टू रीच वाइड स्प्रेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स, मैं इस बात को इसलिए मानता हूँ कि देखिए उर्दू की पॉपुलेशन कहीं भी स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू नहीं है। जम्मू कश्मीर रियासत में थी, तेलंगाना में सेकेंड रियासत है, सेकेंड जुबान है, फिर जो है दिल्ली में है, बिहार में है, सेकेंड लैंग्वेज है, लेकिन वो उर्दू जुबान को गलबा हासिल नहीं जो दूसरी जुबानों को है। दूसरी बात यह है कि उर्दू माइनॉरिटी फैली हुई है हर जगह, हर एक्सपर्ट को पहुंचना मुश्किल है। हर जगह उर्दू यूनिवर्सिटी अपने कैंपसेस खोल रही है लेकिन हर जगह हर टीचर तो नहीं पहुंच सकता। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को बेहतरीन जरिया जो है आईसीटी हो सकता है, जिसमें रिकॉर्ड किए गए प्रोग्राम स्टूडेंट्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, दोबारा हासिल करना चाहते हैं, मटेरियल देखना चाहते हैं तो आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू मेक यूज ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स, जो भी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स है हमारे पास, रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, टेप रिकॉर्डर है, सीडी है, इन सारे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स का हम आईसीटी के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टू रीच ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर जो है आईसीटी का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जब भी आप किसी वेंडर के पास चले जाते हैं, गूगल पे से स्कैनर करिए, क्यूआर कोड स्कैनर करिए, पैसे दे दीजिए। आज का जमाना वो नहीं जब बैंक में हम कई घंटों खड़े रहते थे कि सैलरी होने के बाद अमाउंट लें फिर जो है दुकानदार को दें, चीजें खरीदें। हर जगह आईसीटी का इम्पैक्ट हुआ है, एजुकेशन में भी हुआ है, हेल्थ में भी हुआ है। आपकी हेल्थ रिपोर्ट्स आपके घर तक पहुंच जाती हैं, आप मेडिसिन खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये सारी जो है आईसीटी की वजह से सहूलियात हुई है। आईसीटी क्या करता है टीचिंग एंड लर्निंग में, लर्निंग एनहांस करता है। लर्निंग एनहांस करने के लिए हम को पहले जानना होता है कि टेक्नोलॉजी क्या है, लर्निंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के बारे में टेक्नोलॉजी के साथ हम सीखते हैं, लर्निंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी कंटेंट है। अगर हम जानना चाहें तो YouTube का प्रोग्राम खोलिए और टेक्नोलॉजी के जरिए सीखिए। लर्निंग अबाउट टेक्नोलॉजी, YouTube क्या हमें पेश कर सकता है, या कोई वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें क्या दे सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या दे सकता है। ये हर एक प्रोग्राम अपनी नौईयत का आईसीटी पेश करता है। आईसीटी के नजरिए के बारे में भी हमें जानना जरूरी है, टेक्नोलॉजी को जानना चाहिए। लर्निंग विथ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसकी अगर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड है, वर्ड में हम अपने क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं, अपने मार्कशीट तैयार कर सकते हैं, किसी को खत और किताबत कर सकते हैं। तो लर्निंग विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम सीखेंगे कि किस चीज का इस्तेमाल कहाँ पर किया जा सकता है। दिस इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल एंड हेंस लर्नर इज एक्टिव। आप जानते हैं कि पहले जो है टीचर सेंटर्ड मेथड हुआ करता था, फिर स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड आया, लेकिन हम अब हम ये कहने लगे हैं कि जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहिए। हर बच्चा अपनी मालूमात खुद लाता है, तो अपनी मालूमात की बुनियाद पर उनकी नई मालूमात
बढ़ाना जरूरी है। तो आप देखते हैं कि यूट्यूब के जरिए आप अगर कोई चीज सीखना चाहते हैं, अपने मोबाइल हैंग होने लगा तो आप सडनली यूट्यूब का वो प्रोग्राम निकालेंगे, मेरा मोबाइल गर्म होके बंद हो रहा है, अगर मैं इसको ठीक करना है तो क्या करना होगा। देखिए, आपका तजुर्बा मोबाइल के साथ, आपकी मालूमात मोबाइल के साथ, आप अपने नॉलेज के बेसिस पर दूसरी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लर्नर बहुत एक्टिव होता है आईसीटी के इस्तेमाल करते वक्त। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स प्रायर एक्सपीरियंसेस, पुराने तजुर्बात की बुनियाद पर नए तजुर्बात हासिल होते हैं। लर्निंग एनवायरमेंट इज वेरी पॉजिटिव, चूंकि छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, छोटी छोटी सी मालूमात होती हैं। जैसे अगर घर में आप लेडीज पे देखें तो कोई सांभर बनाने की रेसिपी सीख रहा है, कोई बिरयानी बनाने की रेसिपी सीख रहा है, कोई कश्मीर का डिश बनाने की रेसिपी सीख रहा है। तो लर्निंग एनवायरमेंट इज वेरी पॉजिटिव, जो देख रहे हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इमीडिएट फीडबैक आ रहा है। हेल्प्स इन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, पहले जमाने में तालीम मखसूस तबके को, या तो रईस तबके को या तो ऊंची जातों को हासिल थी, आज मालूमात जो है हर एक को आसानी के साथ दस्तियाब है। ये आईसीटी की ही मरहूने मिन्नत है। वॉट इज प्रेजेंट स्कूल्स इन उर्दू मीडियम, वॉट इज प्रेजेंट उर्दू स्कूल सिनेरियो, आज के जमाने में हम अपने उर्दू स्कूल्स को देखते हैं तो एक छोटे से क्लासरूम में महदूद है। देखिए यहाँ पर एक मैंने पिक्चर दिया है, टीचर और टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो है पुराने हो चुके हैं, पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। लर्नर एंड मीटिंग मेथड जो है हमारे पुराने हैं, लर्नर्स एंड लर्निंग मेथड जो पुराने हैं, टीचिंग इक्विपमेंट्स हमारे पुराने हैं, लेबोरेटरीज हम कम इस्तेमाल करते हैं, लाइब्रेरी हमारे स्कूल्स में बहुत कम है। यहाँ तक के छोटे छोटे इलाकों में हम चले जाएं तो शिफ्ट सिस्टम स्कूल्स हैं, तो प्लेग्राउंड तो वहाँ पे होना बहुत ही मुश्किल है। इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है पुराने तरीके कार से इवैल्यूएट कर रहे हैं। हालांकि इस उर्दू मीडियम स्कूल उर्दू स्कूल्स के सिनारियो में थोड़ी सी तब्दीली आ गई है, लेकिन फिर भी जो है उतनी तब्दीली नहीं है। डिजिटल इक्विपमेंट्स क्या हमारे पास हैं, रेडियो है क्या, टेलीविजन है क्या, टेलीविजन विद डीटीएच है क्या, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर विद इंटरनेट है क्या, ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ हद तक कहीं कहीं दस्तियाब हैं, लेकिन हर स्कूल में हर चीज़ हो और उसका इस्तेमाल हो ऐसा तो बहुत कम देखने में मिलता है। व्हाट इज प्रेजेंट क्लासरूम सिनेरियो, न्यूपा रिपोर्ट रिगार्डिंग यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन महाराष्ट्र, अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र एंड फ्यू स्टेट्स एनेबल्ड एक्सेस टू कंप्यूटर फैसिलिटीज। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 2006-07 की महाराष्ट्र में कंप्यूटर की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स उस वक्त 28,000, विच कॉन्स्टिट्यूट्स 33% ऑफ द टोटल स्कूल्स दैट हैव कंप्यूटर इन स्कूल्स, फॉलोड बाय 19,000 स्कूल्स ऑफ अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश इतना बड़ा स्टेट था उससे भी ज्यादा जो है महाराष्ट्र में कंप्यूटर्स अवेलेबल थे, 2007-08 के दौरान का डेटा है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ स्कूल्स विच हैव कंप्यूटर्स इन ईच स्टेट, दिल्ली स्टैंड्स फर्स्ट। दिल्ली में सबसे ज्यादा कंप्यूटर थे 68%, फॉलोड बाय केरला 60%, फिर महाराष्ट्र जो है 33%। द परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर पेनेट्रेशन इन प्राइमरी स्कूल इज अबव डबल डिजिट, उस वक्त का डेटा कहलाता है। देखिए, व्हाट इज द प्रेजेंट कंप्यूटर अवेलेबिलिटी सिनेरियो, अगर हम देखते हैं 2003-04, 2005-06, 2007 का डेटा, रूरल और अर्बन का डेटा, ऑल गवर्नमेंट और ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, प्राइमरी में जो देखिए प्राइवेट में ज़्यादा कंप्यूटर पेनेट्रेशन था, प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी में भी प्राइवेट में ही ज़्यादा था, और उसके बाद जो है प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी सेकेंडरी में देखते हैं तो 62% है, फिर जो है अपर प्राइमरी ओनली में 27% प्राइवेट में है, वो भी ज़्यादा वहीं पर है। अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में देखते हैं तो ये भी डेटा जो है हमें बतलाता है कि प्राइवेट मैनेजमेंट में ही ज़्यादा है। इस तरह अगर कुल मिलाकर देखते हैं तो गवर्नमेंट की खस्ता हाली हमें नज़र आती है। हालांकि 2003-04, 2005-06, 2007 इस तरह से देखते जाएं तो डेटा जो है हमें बतलाता है कि कंप्यूटर्स का बतदरी जो है ज़्यादा
कंप्यूटर्स फराहम किए गए हैं। अब यहाँ पर जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो हालिया डेटा इसको मालूम करके फिर मुवाजना करने की ज़रूरत है। रूरल और अर्बन में अगर हम देखते हैं तो डिजिटल डिवाइड की या डिजिटल तकसीम की हम जब बात करते हैं तो देखिए अर्बन एरियाज में 34% पेनेट्रेशन है और यहाँ पर रूरल एरियाज में 10%, यानी एजुकेशन में जब देखेंगे तो कितना डिवाइड है, किसी के पास कंप्यूटर है किसी के पास नहीं है। व्हाट इज द प्रेजेंट कंप्यूटर अवेलेबिलिटी सिनेरियो इन इंडिया, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल्स हैविंग कंप्यूटर इन स्कूल, 3, 4, 4, 5, 5, 6 का डेटा है यहाँ पे ग्राफिकल तौर पर पेश किया गया है जो पिछली स्लाइड में दिया गया था। कंप्यूटर एज एन आईसीटी टूल, कंप्यूटर एज एन आईसीटी टूल, क्या कंप्यूटर को आईसीटी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? दिस इज द कोर ऑफ आईसीटी यूसेज। आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई आईसीटी टूल इस्तेमाल हो रहा है तो ये कंप्यूटर ही है जो इस्तेमाल हो रहा है। सिंगल कंप्यूटर यूसेज, जैसे अगर आप इंटरनेट को नहीं जोड़ रहे हैं, स्टैंड अलोन कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा जनरेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए लैन के जरिए जो है आप एक महदूद ज्योग्राफिकल एरियाज में सारे कंप्यूटर को एक दूसरे कंप्यूटर के जरिए जोड़ सकते हैं केबल के जरिए। वैन यानी बहुत वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे मानो का एक 200 एकर्स का कैंपस अगर हम मान लें, छोटा कैंपस लोकल एरिया नेटवर्क के तहत एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हो सकता है। वैन हो सकता है हैदराबाद पूरा एरिया हो या गच्चीबौली पूरा एरिया हो, तो एक दूसरे कंप्यूटर से अगर जुड़ जाता है तो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसी तरह के बहुत सारे एरियाज जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं कंप्यूटर में तो ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहलाता है या इंटरनेट कहलाता है। देखिए लैन है छोटे एरिया में, उससे बड़ा एरिया है वैन है जिसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर से दूसरे से जुड़े हैं, इंटरनेट है इंटरनेशनल लेवल पर नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है इसको इंटरनेट। इसके फायदे ये हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कोई भी मवाद इंटरनेट पे, सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, वगैरह वगैरह, न्यूज आप देख सकते हैं इंटरनेट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो, यूट्यूब देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पर काम कर सकते हैं, रिसर्च का मवाद ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट बेस्ड लर्निंग मुमकिन है अगर इंटरनेट है तो, जो ई लर्निंग मुमकिन है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स देख सकते हैं आप, ई लर्निंग फैसिलिटीज आपके लिए हो सकते हैं, आप वेबलॉग्स बना सकते हो, दूसरों के देख सकते हो। कंप्यूटर एज एन आईसीटी टूल अगर हम देखें तो ये सारी चीजें, कंप्यूटर स्टैंड अलोन कंप्यूटर के तौर पर भी यूज होता है या दूसरे कंप्यूटर के साथ भी जुड़ सकता है, जुड़ने के तरीके छोटे एरिया में भी हो सकते हैं, पूरे आलमी तौर पर भी हो सकते हैं। आईसीटी सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर्स, आईसीटी सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखिए वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग की एक एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं एक पिक्चर उसका यहाँ पे पेश करूँगा आपके लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं लेटर्स लिखने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, स्प्रेडशीट आप इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के तौर पर जिसमें डेटा एनालाइज कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्रिएट एंड फोरकास्ट मॉडल्स कर सकते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर जैसे एग्जांपल हैं ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एक्सेस, मैनेजिंग डेटा इन मेनी फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स में आप डेटा मैनेज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, ये फायदा है डेटाबेस सॉफ्टवेयर का। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो आज मैं आपके क्लास में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आइदर डायरेक्टली यूजिंग अ कंप्यूटर और डेटा प्रोजेक्टर। देखिए आप मेरे सामने होते हैं तो मैं प्रोजेक्टर के जरिए आपको पेश करूंगा, आज इंटरनेट के जरिए मैं माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन का अपना मवाद आपके जरिए शेयर कर रहा हूँ। पब्लिश इन डिजिटल फॉर्मेट, जिसको मैं डिजिटल फॉर्मेट में अपने वेबलॉग्स पे भी रख सकता हूँ, वाया ईमेल के जरिए भी दूसरों को शेयर कर सकता हूँ। डेस्कटॉप पब्लिशिंग आजकल मुमकिन है, एडोब का इस्तेमाल करके, एडोब इन डिजाइन
क्वार्क एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर जिसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा, प्रोड्यूस न्यूज़लेटर्स, मैगजीन्स और अदर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। ग्राफिक भी आप ग्राफिक सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल आईसीटी में कर सकते हैं। कंप्यूटर को एज ए स्टैंड अलोन सर्विस के तौर पर अगर इस्तेमाल करना चाहें, एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप फोटोशॉप में इमेजेस, लोगोस, एक पिक्चर में दूसरा पिक्चर मर्ज करना, जिस तरह से आजकल इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन में भी पिक्चर्स जो है फोटोशॉप के जरिए एडिट करके पॉजिटिव या निगेटिव बनाए जा सकते हैं, इस तरह से मुमकिन है। स्पेशलिस्ट एप्लीकेशंस भी है, ये तो इन जनरल यूज होने वाली एप्लीकेशंस हैं जिनका आप और हम इस्तेमाल करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, डेटा सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ये नॉर्मल यूज होने वाली। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे ओरेकल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट जो है बिजनेस वाले यूज करते हैं। ये आईसीटी सर्विसेज के सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। ये एक हमारी किताब है कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन में हमने ऐसे इन्विसेज किया है, हमने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक छोटा सा ऑफिस है। एक ऑफिस के अंदर क्या होता है, खतों किताबत होती है, सैलरीज पे होते हैं तो उसको कैलकुलेट किया जाता है, कितनी इनकम होती है, कितनी एक्सपेंडिचर होते हैं इसका हिसाब रखा जाता है, कितने कस्टमर हैं या कि एक स्कूल में कितने तलबा कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से क्लासेस में है, इसका डेटा मैनेज किया जाता है। अगर हमारे स्कूल के बारे में बाहर बताना है तो हम बैनर लगाते हैं या तो पावरफुली दूसरों के सामने बहुत अच्छे अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं, तो ये करते हैं। फिर उसके बाद हमारे स्कूल का अगर तशहीर करना चाहें तो तशहीर कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं, या किसी को लिखना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं या लेटर पोस्ट कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें एक नॉर्मल ऑफिस में होती है। तो इसी को हमने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लिखा है वर्ड। वर्ड एक राइटर है जो आपको लिखने में मदद करता है, आपकी किताबें लिखने में, आपका लेटर लिखने में, आपका टाइम टेबल बनाने में, आपकी नोटिसेस इश्यू करने में। आपके स्कूल में एक राइटर के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड का मदद देता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल जो है कैलकुलेशन में मदद करता है। आप जमा, तफरीक या फार्मूला या स्टैटिस्टिकल टूल्स वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके कमरे जमात के बच्चों का जो है आप तमाम मजामीन में क्या स्कोर है उसको ऐड करके एवरेज निकालना चाहते हैं, रैंकिंग देना चाहते हैं, टोटल निकालना चाहते हैं, तो आप एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेस, बच्चों का फॉर्म भरवा के उनके डेटा को महफूज करना चाहते हैं तो 8th जमात के बच्चे, 9th जमात के बच्चे, 10th के जमात के बच्चे या पूरे स्कूल के हर डिवीजन के बच्चे, इन सब तमाम का डेटा, पैदाइश से लेकर उनके स्कूल में रहने तक का डेटा एक जगह अगर महफूज करना चाहते हैं तो आप एक्सेस जो कि डेटाबेस मैनेजर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर पॉइंट, मैंने कहा कि आपके स्कूल कितनी अच्छी है, कितनी बेहतरीन है, इसको आप जैसे एक इंसान अच्छे कपड़े पहन के अपने आप को पेश करता है, प्रेजेंट करता है, इसी तरह से स्कूल को प्रेजेंट करने के लिए आपका पावर पॉइंट आपकी मदद करता है। इसको हमने उस बुक में कहा है द डेकोरेटर एंड द प्रेजेंटर। आप कोई मेहमान आता है तो घर को साफ सुथरा और खूबसूरत बना के रखते हैं, तो इसी तरह से पावर पॉइंट आपके स्कूल के डेटा को दूसरों के सामने बोल्ड में, इमेजेस के साथ कलरफुल प्रेजेंट करने में मदद करता है, इसीलिए पावर आपको मिलता है। पब्लिशर जो है द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर मदद करता है। आप पैम्पलेट्स बनाते हैं, बोर्ड्स बनाते हैं या इनविटेशंस बनाते हैं, पब्लिशर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आप बना सकते हैं। आजकल कैनवा का भी इस्तेमाल होने लगा है। आउटलुक वो सॉफ्टवेयर है जो आपको दूसरों को ईमेल करने में मदद देता है। द कम्युनिकेटर, इसीलिए उसको हमने कहा है द कम्युनिकेटर, यानी आपकी मालूमात दूसरों तक कम्युनिकेट करता है। जैसे आप अपने ऑफिसर को कुछ बताना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए बता सकते हैं, आप पेरेंट्स को बताना चाहते हैं तो पेरेंट्स को ईमेल के जरिए बता सकते हैं। आपके जहन में आ रहा होगा कि मैंने कैनवा का क्यों यहाँ जिक्र नहीं किया है, व्हाट्सएप का क्यों नहीं जिक्र किया है, वो इसलिए नहीं किया है कि मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के
एप्लीकेशंस का यहाँ पर तस्करा कर रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। राइटर जो है लिब्रे ऑफिस का है, गूगल डॉक जो है गूगल डॉक्यूमेंट का है, इसी तरह से WPS का भी वर्ड मौजूद है। तो वर्ड के भी बहुत सारी शक्लें अभी आई हैं, एक्सेल की बहुत सारी शक्लें आई हैं, एक्सेस की बहुत सारी शक्लें आई। जब से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेज करके इस्तेमाल करना कंपलसरी हो गया है, बहुत सारे लोग जो है गूगल की तरफ भी जा रहे हैं। गूगल में भी ये सारी चीजें मौजूद हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज अ कंप्यूटर कंप्लीट ऑफिस फॉर एन इंडिविजुअल टीचर एंड इम्पोर्टेंट ICT टूल। आप एक टीचर हैं तो आप अपना ऑफिस खुद सेटअप कर सकते हैं इन चीजों को इस्तेमाल करके। आप लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, मैं यही उम्मीद रखता हूँ। अगला ये देखिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँगा तो काफी सारी चीजें होंगी। यहाँ पे स्टार्ट बटन है, ये देखिए टैब्स है, होम, इंसर्ट पेज, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग व्यू, और यहाँ पे इस रिबन में जो है इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स दिए हैं। आप काम कर रहे हैं, अचानक आपको बोल्ड करना हो तो आप बी का प्रेस करें। आप कुछ कंटेंट सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आपकी टेक्स्ट है तो टाइप करता रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप उर्दू में लिखना है और लेफ्ट से राइट जा रही है टेक्स्ट, तो इस पर क्लिक करें तो ये आपको राइट टू लेफ्ट अपना टेक्स्ट देगा। आप अपने पैराग्राफ को या तो लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं या तो राइट अलाइन करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें, सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें। यानी इतनी बेशुमार सहूलियत उसके अंदर मौजूद हैं। ये अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड को ही हम बयान करें तो पूरा का पूरा एक घंटे से ज्यादा वक्त लगेगा। काफी सारे लोगों ने उस पर किताबें भी लिखी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का तस्करा इसी तरह से करता हूं मैं। यहाँ पे ये जो है बहुत मुख्तलिफ किस्म के मेनू हैं जिनको आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। उसमें से जैसे आप अगर होम पर क्लिक करेंगे तो फाइल को सेव एज, सेव या प्रिंट, इस तरह की सहूलियत आपको मौजूद आ जाएंगी। इंसर्ट करते हैं तो क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, पिक्चर यूज इंसर्ट करना चाहते हैं या कोई और चीज इंसर्ट करना चाहते हैं। एक्सेल और डेटा, एक्सेल में डेटा एनालिसिस का भी मेनू होता है, जबकि आप वर्ड में देखेंगे कि डेटा एनालिसिस का यहाँ पे कोई आपको मेनू नहीं नजर आता है। तो हर एप्लीकेशन का मुख्तलिफ किस्म का सॉफ्टवेयर सहूलियत उसके अंदर मौजूद होती है। अगर अगला हम देखें तो ये है पब्लिशर। मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यहाँ पे इसलिए नहीं पेश कर रहा क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन ही माइक्रोसॉफ्ट में अवेलेबल है, सॉरी पावर पॉइंट में अवेलेबल है जिसको आप देख रहे हैं। मैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जा रहा हूँ और अपनी चीजों को जो है इलस्ट्रेशन के साथ पेश कर रहा हूँ आपके सामने। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिकेशन में आप जो है अगर किसी को थैंक्स बोलना चाहते हैं या कोई आपका कोई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसका ब्रोचर तैयार करना चाहते हैं तो, या किसी को ईमेल करना चाहते हैं कोई खाका, इसमें बहुत सारे थीम्स अवेलेबल होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी चीजें पब्लिश कर सकते हैं। डेटा आपके स्कूल का अगर मौजूद है तो वो डेटाबेस में रहेगा। डेटाबेस के जरिए आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जैसे एक स्कूल में हाई स्कूल में कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, आप उसको कमांड दे दें। अगर आपका डेटा सारा मौजूद है तो आपके सामने ब्यूटीफुल अंदाज में खूबसूरती के साथ टेबल हेडिंग के साथ टेबल टाइटल के साथ आपको डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको ये एक्सेस जो है आपका रिपोर्ट जनरेट करके देगा। ये सहूलियत है। इसके अलावा जो है ICT जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं, गूगल का सर्च इंजन है। यहाँ पे आप देखिए एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में जो भी मवाद चाहिए आप उसमें डालिए और सर्च करिए तो आपके सामने सेकंडों में या तो बहुत ही कम वक्त में जो है बहुत सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगी। जबकि आप किताब अगर ढूंढना चाहें तो लाइब्रेरी जाके अलग अलग फ्लोर जाएं, फिर रैक्स को जाएं, रैक में से सारी किताबों को छान मारें तो आपकी किताब नजर आएगी। यहाँ पर सेकंडों के दरमियान जो है मवाद आपके सामने आ जाता है। ये ICT का कमाल है। आप कहीं और बैठे हुए हैं लेकिन आप अपनी यूनिवर्सिटी से, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं।
ये भी मुमकिन हुआ आईसीटी के जरिए आपके एडमिशन ऑनलाइन हो रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन में आप फॉर्म ऑनलाइन दाखिल कर रहे हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग और यहाँ तक के आप खुशकिस्मत हैं कि ऑनलाइन वर्कशॉप भी आपको हो रहा है, यह भी आईसीटी की मरहूनी मिन्नत है। एजुकेशनल ब्लॉग्स हैं, मेरा एक एजुकेशनल ब्लॉग है जिसका नाम एकेडमिक पेपर्स है, तो एकेडमिक पेपर्स में भी आप एकेडमिक एक्टिविटीज के पेपर्स बहुत सारे आप देख पाएंगे। मेरे ब्लॉग को, ये बहुत पुराना डेटा है, तो पुराने डेटा में आप देख सकते हैं कि मैं बाहर जाऊं या न जाऊं, जो है मेरा रखा हुआ मवाद जो है लोग दूसरे एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आईसीटी के जरिए आप इंडिया में रहते हुए भी फॉरेन में अवेलेबल हैं। आईसीटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल, वर्सेटाइल टूल जो है मोबाइल है। मोबाइल इज अ वर्सेटाइल टूल ऑफ आईसीटी फॉर टीचर्स। क्यों? व्हाई मोबाइल इज एन आईसीटी टूल? मोबाइल इज अ टेक्नोलॉजिकल डिवाइस विच कैन बी यूज टू कम्युनिकेट। आप ओरली किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं आवाज के जरिए। You can create, disseminate, store and manage information. आप अपने मालूमात, जिस तरह से मैंने कहा कि WhatsApp में आप खुद अपना मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, हासिल करता मालूमात को, मवाद को, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ये सहूलियत इसके अंदर मौजूद है। एजुकेशनल यूसेज ऑफ मोबाइल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? फोन क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स या टीचर्स को बातचीत करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसेज, आप कम्युनिकेशन ऑफ स्कूल इवेंट्स, स्कूल में कोई प्रोग्राम होने जा रहा है उसको कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज के जरिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। रेडियो एंड म्यूजिक प्लेयर, आप जो है रिकॉर्ड प्ले कर सकते हैं मोबाइल के जरिए। अलार्म का क्लॉक रख सकते हैं, जैसे आपको कहीं जाना है या कोई क्लास लेना है, जिसके जरिए टाइम मैनेजमेंट मुमकिन है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं रूटीन कैलकुलेशन के लिए या साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, मोबाइल के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एड्रेस बुक में न सिर्फ ये कि फोन नंबर से स्टोर किए जा सकते हैं, आप दूसरों का पता या डेट ऑफ बर्थ या उनके रिलेटिव्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। रिमाइंडर्स, जिसके जरिए टू डू लिस्ट, डेली क्या करना है, वीकली क्या करना है, ईयरली क्या करना है, ये सारे इसके फवायद हैं। कन्वर्टर्स, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से डिग्री फॉरेनहाइट में, लेंथ को फीट से मीटर्स में, एरिया को स्क्वायर यार्ड से स्क्वायर फीट में। देखिए कि ये सारी चीज़ें, हालांकि है एक छोटा सा डिवाइस मोबाइल, लेकिन एजुकेशनल यूसेजेस इसके बहुत सारे हैं। हम लोग आजकल उतना सारा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, बस व्हाट्सएप पे डिपेंड रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फवायद हैं इसके। देखिए, एजुकेशनल यूसेज ऑफ मोबाइल को अगर मजीद आगे देखा जाए, स्प्रेडशीट होते हैं इसमें, सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग, यहाँ पे अकाउंटिंग करने के लिए भी मोबाइल यूज किया जा रहा है। आपने स्पीचेस वगैरह के दौरान देखा होगा या रेसेस के दौरान देखा होगा कि स्टॉप वॉच लगाया जाता है। पहले जो है हम एक गोल वाली घड़ी लगा के रखते थे और उसको ऑन करते थे, फिर कहते थे 4 मिनट हो गए बेटा, आप कंक्लूड करो, 5 मिनट हो गए बंद करो। अब कोई भी जो है स्टॉप वॉच नहीं ला रहा है, मोबाइल का स्टॉप वॉच ही यूज कर रहा है। कंपोजर, म्यूजिक कंपोज करने के लिए आप जो है मोबाइल का इस्तेमाल करते हो। पंचांगम के तौर पर फोरकास्ट करने के लिए भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल जो है लॉन्ग मैसेजेस लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट मैसेज स्पीच सिस्टम जो है, SMS जो है छोटे मैसेजेस के लिए यूज कर सकते हैं। इंटरनेट जो है सर्फिंग और सर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक पुरानी टेक्नोलॉजी, मैं ऐसा नहीं, ये नहीं चाहता कि आप आईसीटी से यही मुराद लें कि कंप्यूटर ही आईसीटी है या सिर्फ जो है मोबाइल आपका आईसीटी है। इसीलिए आपके सामने ये भी पेश कर रहा हूँ कि रेडियो भी एक आईसीटी है, जो पुराने दौर में ज्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल आप FM जो है मोबाइल में भी सुनने लगे हो। प्रोग्राम्स फॉर प्राइमरी टू हायर लेवल फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं रेडियोज में, इसको भी आप सुन सकते हो या बच्चों को सुना सकते हो। रिकॉर्डेड और लाइव प्रोग्राम भी सुन सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर का जो है मन की बात वाला प्रोग्राम भी लाइव आता है। लाइक मंथली इंटरेक्शन मीटिंग्स ऑफ टीचर्स, अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो ऑनलाइन भी जो है मंथली मीटिंग्स होती रहती है। यूज ऑफ रेडियो फ्रॉम मोबाइल एंड रिकॉर्डिंग एज इज पॉसिबल।
रेडियो जो है मोबाइल के जरिए भी सुना जा सकता है, जिसका जिक्र मैंने किया. फीडबैक कम्युनिकेशन इज पॉसिबल थ्रू लेटर्स, फोन्स, एसएमएस, ईमेल. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है रेडियो कह दिया तो खत्म हो गया. आप रेडियो को वापस कम्युनिकेशन उसी वक्त पॉसिबल है जब सामने वाला कुछ कहे, हम उसको रिएक्ट करें, तो ही कम्युनिकेशन मुकम्मल समझा जाता है. तो आप अपने जवाब कैसे दे सकते हैं, लेटर्स के जरिए दे सकते हैं, फोन के जरिए दे सकते हैं, एसएमएस और ईमेल के जरिए भी रेडियो स्टेशन को दे सकते हैं. ये सहूलियात इसके अंदर मौजूद है. टेलीविजन में एक प्रोग्राम उर्दू का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिया है. देखिए, टेलीविजन ऑफर्स थ्रू इट्स डीटीएस सर्विस, डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए भी जो है टेलीविजन आता है. आजकल चूंकि मोबाइल में बहुत सारी सहूलियात हैं, हम लोग टेलीविजन पर कम तवज्जा दे रहे हैं. 24 आवर्स प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट. पहले जो है कुछ ही घंटों को मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट या इवनिंग ब्रॉडकास्ट या डे ब्रॉडकास्ट, रात को टेलीविजन बंद होता था. लेकिन जब से प्राइवेट चैनल्स आए हैं, खूब सारे चैनल्स आए हैं, 24 घंटे प्रोग्राम चल रहे हैं. और जब से यूट्यूब आया है, आपकी चॉइसेस और बढ़ गई हैं. बहुत ऑडियो एंड ऑडियो वीडियो ब्रॉडकास्ट मुमकिन है टेलीविजन के जरिए. एडिशनल फीचर्स लाइक गेम्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोग्राम्स भी मुमकिन हुआ है टेलीविजन में. अवेलेबल इवन इन द एब्सेंस ऑफ पावर सप्लाई इफ द यूजर्स हैव पावर बैकअप. पहले क्या था कि इंटरनेट सॉरी टेलीविजन जो है उसी वक्त आपको अवेलेबल था जब आपका इंटरनेट कनेक्शन हो और लोकल जो टेलीविजन सेंटर है वहां से भी पावर सप्लाई हो, तभी हम क्रिकेट मैच देख पाते थे. लेकिन डिश कनेक्शन की वजह से जो है, डायरेक्ट टू होम कनेक्शन की वजह से, सैटेलाइट से आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ले रहे हो. बस आपके घर में अगर पावर सप्लाई है, और या तो आप डायरेक्ट पावर सप्लाई हो या कुछ पावर सप्लाई का बैकअप हो, तो भी आप टेलीविजन देख सकते हैं. एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी मौजूद है. रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोग्राम इज पॉसिबल. पहले सिर्फ देख के छोड़ देते थे. शुरुआत के दिनों में हम लोगों ने देखा है कि आमिर खान का एक एडवर्टाइजमेंट आता था, वो कहता था कि आप अपने प्रोग्राम रिकॉर्ड करके फुर्सत के औकात में भी देखिए. यानी टेलीविजन के प्रोग्राम रिकॉर्ड भी किए जा सकते हैं. मल्टीलिंगुअल फैसिलिटी ऑफ सेम प्रोग्राम चल रहा है. आजकल फिल्में भी आप लोगों ने देखी होंगी कि एक फिल्म बैक वर्क मुख्तलिफ जुबानों में रिलीज की जाती है, तो आप मल्टीलिंगुअल फैसिलिटी की सहूलत मौजूद है. यूजर्स कैन कम्युनिकेट यूजिंग कम्युनिकेशन इसीलिए मुमकिन होता है कि हाँ, आप फोन के जरिए, लेटर्स के जरिए जो चैनल के मालकान है उन तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो. टेली कॉन्फ्रेंसिंग मुमकिन है. टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक हिस्सा जो है हमारा ये आज का गूगल मीट भी है. ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें सिर्फ आवाज चली जाती है, लाइक फोन कॉन्फ्रेंसिंग. आप फोन पे भी, हाँ रुको भाई, मैं ये मालूमात जो है हमारे दूसरे सर के पास है, मैं अभी कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ उनको, आप लेते हैं ना ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, स्पेशली यूज्ड इन मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर आप के एक भाई किसी और शहर में, दूसरे बहन किसी और शहर में, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्हाट्सएप के जरिए भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं. पहले ये हुआ करता था वन वे वीडियो, टू वे ऑडियो. अब टू वे ऑडियो एंड टू वे वीडियो भी पॉसिबल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में. और एक छोटे से ग्रुप में नहीं, आज हम तकरीबन 40 अफराद जो है मुख्तलिफ जगहों से जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. एक मिसाल जो है गूगल मीट की भी है. कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग वन टू वन भी हो सकती है, वन टू मेनी भी हो सकती है, मेनी टू मेनी भी हो सकती है. मल्टीपल वे ऑडियो एंड वीडियो दैट इज लाइक क्लासरूम. ये एक वर्चुअल क्लासरूम बन जाता है. एक टीचर मुखातिब है तलबा से, और तलबा पर नजर रखे हुए है कि सब लोग हैं कि नहीं है. किसी ने हाथ भी उठाया है, मैं एक दो मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा ताकि आपके सवाल भी ले सकूँ. चैलेंजेस ऑफ आईसीटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स एक चैलेंज हो सकता है स्कूल्स में. फिर जो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स इन उर्दू एक हो सकता है. कंप्लीट मटेरियल इज नॉट अवेलेबल बट आर बीइंग मेड अवेलेबल. एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी रादर देन इट्स यूसेज. फोबिया ऑफ यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग. बहुत सारे टीचर्स को फोबिया भी है. प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं है या तो डिजिटल टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं, जिसकी वजह से जो है ये मुमकिन नहीं हो सकता. सर्विस प्रोवाइडेड बाय आईसीटी. ट्रांसफर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेटा, वर्बल एंड नॉन वर्बल. लैंग्वेज का इस्तेमाल साउंड और प्रिंट के जरिए.
integration of all languages, information at a finger tip or a click of a button, आपको सारी information मिल जाती है. Brings geographically dispersed and marginalized together. आप जंगल में भी कोई बैठा है तो वो भी हमारे से जुड़ सकता है स्वयं प्रभा के जरिए, एजुकेशन में मेन स्ट्रीम हो सकता है. मोर नंबर ऑफ रिसर्च इन द यूज ऑफ मटेरियल इन एजुकेशन इज टू बी डन. आईसीटी का एक मंत्र मैं चलते चलते आपको बताता हूँ कि देखिए आईसीटी हमसे कहता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Robert Frost ने कहा है. इकबाल उसको आईसीटी को अपनी जुबान में कहते हैं कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज से, मुझको तो जाना है ऊंचा हदे परवाज से. ये कुछ चीजें थी जिनको मैंने डिस्कस किया. हो सकता है मेरा सिस्टम भी ऑफ हो जाए, इसलिए अभी आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ. किसी ने हाथ भी उठाया है, अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ लें. अस्सलाम वालेकुम सर. बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया सर, अच्छे तरीके से समझाए सर आप एकदम. हाँ क्लियरली सबको समझ पाए सर. जज़ाकअल्लाह. तो आईसीटी का इस्तेमाल करना चाहेंगे क्लासेस में? कर रहे हैं ना सर. करते हैं सर. करते हैं सर. कौन कौन सी आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप समझा भी रहे थे, साथ साथ हम देख भी रहे थे, तो उससे बहुत ज्यादा क्लियर हो गया और बहुत इफेक्टिव रहा सेशन. आप कौन कौन सी आईसीटी इस्तेमाल करते हैं? वालेकुम सलाम. बताएं. स्कूल में प्रोग्राम रहता है तो सर हम यही पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं सर. उसमें स्लाइड डाल के बताते हैं प्रोग्रामिंग पहले कैसा था, आज की स्कूल कैसी है और आगे क्या क्या हम स्कूल में करने वाले हैं. इसे बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल करते हैं सर. और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी प्रोजेक्ट पर बताते हैं. एंड्रॉइड टीवी आ गया है स्कूल में, वो इस्तेमाल करते हैं सर. ओके ओके. तो सिर्फ या तौसीफ, रजा, साजिद कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर. जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि सर अभी आप पढ़ा भी रहे थे और साथ में स्लाइड्स भी चल रही थी, तो बहुत अच्छा रहा वो और बहुत इफेक्टिव रहा सर हमारे लिए, समझ में बहुत अच्छा आया. तो ये भी आईसीटी का एक कमाल है कि तालीम को और तफहीम को बहुत आसान कर दिया. और अभी के माहौल में बगैर आईसीटी के कुछ पढ़ाई नहीं हो सकती है. बच्चों में भी आईसीटी, मेरे स्कूल में आईसीटी लैब अभी 2 साल से चल रही है, तो 6, 7, 8 क्लास के बच्चों को जो आईसीटी सिखाया जा रहा है आईसीटी इंस्ट्रक्टर के द्वारा, वो काफी इफेक्टिव है और बच्चों में काफी उसका रिस्पांस आ रहा है कि नहीं इस स्कूल में अब आईसीटी कंप्यूटर ये वो घर में जाकर भी अपने वालदेन को इस तरह की पढ़ाई के प्रति मोटिवेट कर रहे हैं अपने बच्चों में भी. जी, बहुत अच्छी बात है. मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से गुफ्तगू करके. आप मुख्तलिफ शहरों से, जगहों से जुड़े भी हैं, आईसीटी का इस्तेमाल आप भी जान रहे हैं. एक तो टीचिंग के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे जो है लर्निंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं. बेहद शुक्रिया सर. बेहद शुक्रिया सर आपका. आपने अपनी तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए इस सेशन को जो है बहुत ही अच्छे से लिया और तमाम हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको बहुत ही क्लियर और वाजे तौर पे, मतलब बिल्कुल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल की तरह आपने सारी चीजें उनको वाजे की किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं. मैं अपने पार्टिसिपेंट को यही बताते चलूं कि वैकेशन हो चुकी हैं सर, शायद वैकेशन पे भी हैं, उसके बावजूद
मैं सर का तहे दिल से बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने एक कॉल पे फौरन जो है सर तैयार हो गए और वो सेशन आपको इतने अच्छे तरीके से कंडक्ट किया, और वैकेशन होने के बावजूद सर आप आए, और चूंकि अपनी सब दूसरी मसरूफियात, दूसरी चीज़ें, दूसरे काम रहते हैं, उसके बावजूद सर आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर से। बेहद शुक्रिया सर, जज़ाकअल्लाह सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। शुक्रिया आपको, ये भी बताते चलूँ कि सर का बहुत ही तवील जो है तजर्बा है डिस्टेंस एजुकेशन में, और सर का अपना खुद जो है एक यूट्यूब चैनल है, और सर से आप मजीद जो है कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं, और उनके यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, उस पर बहुत ही अच्छी वीडियोज हैं, लेक्चर्स हैं आईसीटी के ताल्लुक से, और डिफरेंट एजुकेशनल फील्ड के जो बर्निंग इश्यूज हैं उस पे भी सर के बहुत सारे वीडियोस हैं, और आईसी खास करके आईसीटी पे सर की बहुत सारी किताबें भी आ चुकी हैं, और यूट्यूब चैनल के जरिए भी सर जो है आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को, आईसीटी की छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से आप एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत सारे वीडियोज हैं सर। तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि सर के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सर से जुड़े रहिए, जो सर बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, कभी भी आपको जो है किसी तरह की जरूरत आईसीटी से रिलेटेड हो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब में आप उनके जो चैनल पे सब्सक्राइब करके और चैट बॉक्स में उनको अगर आप जो है मैसेज देते हैं तो सर उसका रिप्लाई भी बहुत प्रॉम्प्ट करते हैं। थैंक यू वसी साहब फॉर ऑल नाइस वर्ड्स एंड आई विल क्लोज द सेशन। ओके सर, थैंक यू, जजाकल्ला। यूट्यूब चैनल तालीमी, तकनीकी, तहकीकी बसीरत, तहरीकी और तंजीमी वीडियोस फराहम करता है। मजीद बसीरत हासिल करने के और प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।